नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपको बताने वाले हैं कि आप यदि टैली प्राइम में काम कर रहे हैं और वहां पर अपनी इनवॉइस पर, अपनी रिपोर्ट पर कंपनी का लोगो प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप टैली प्राइम में लोगो कैसे प्रिंट करेंगे, आज आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, तो चलते हैं, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आप टैली प्राइम में लोगो कैसे प्रिंट करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जाना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट प्लस पी, और यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, आपको यहाँ पर आना है, करना है एंटर। और अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ दिया कंपनी डिटेल्स, और यहाँ पे दिया हुआ है इंक्लूड कंपनी लोगो एप्लीकेबल टू प्रिंट एक्सपोर्ट मेल, यहाँ पे करना है आपको यस। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे करते हैं यस। अब यहाँ पे कुछ ऐसा दिखिए ऑप्शन आ गया है, जहाँ पर दिया हुआ है कि फोटो का जो मॉडल होगा वो PMP हो या फिर JPEG हो, और फोटो की चौड़ाई 96 पिक्सल हो और हाइट 80 पिक्सल हो। तो यहाँ पे देखिए, चलते हैं पहले फोटो को बना लेते हैं, और जैसे यहाँ पे दिखा दें आपको, हम हमारे पास यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर यह लोगो मान लीजिए है, और इसे प्रिंट करवाना है टैली प्राइम के इनवॉइस पर, रिपोर्ट पर। तो सबसे पहले यहाँ पर फोटो के साइज को बनाना होता है, तो यहाँ देखिए मैंने राइट क्लिक किया है, और अब यहाँ पे करना होगा आपको ओपन विथ पेंट, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और अब यहाँ पर फोटो के साइज को मेंटेन करना है जितना कि टैली प्राइम में मांगा हुआ है। और अब यहाँ पे देखिए, हम चलेंगे रिसाइज पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है पिक्सल, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ दिया मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, इसको हम हटा लेंगे, और यहाँ पे करना है 96 पिक्सल, और हाइट में करना है 80 पिक्सल, और यहाँ पे कर देना है ओके। अब यहाँ पर फोटो को सेव कर लेना है, तो हम चलते हैं फाइल पर, सेव एज करते हैं, और जैसे यहाँ पे देखिए, हमने लोकल डिस्क ई में एक फोल्डर बनाया हुआ है 2AM, इसमें कर लिया मैंने इस फाइल का नाम दे करके सेव। तो यहाँ इसका नाम दिया मैंने लोगो, और यहाँ पे देखिए JPEG का मॉडल है, यहाँ मैंने कहा सेव, और अब यहाँ पे कहा मैंने क्लोज, और अब आपको चलना है टैली प्राइम पर, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको यस। तो यहाँ पे देखिए यस किया मैंने, और अब यहाँ पर पूछता है कि हमारी फाइल जो है उसका पाथ क्या है। तो पहले देखिए, थोड़ा बैक करते हैं हम यहाँ पर, अब यहाँ इसको पहले बताना है कि हमारी जो फाइल है वह कौन से ड्राइव में है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि हमारी फाइल क्या है, ई ड्राइव में है, यहाँ पे कहा मैंने एंटर। अब यहाँ पर ये बताना है कि हमारी फाइल किस फोल्डर में है, तो मैंने कहा मेरी फाइल 2AM वाले फोल्डर में है, फिर यहाँ पे कहा हमने एंटर। अब यहाँ पर पूछेगा कि आपकी फाइल का नाम क्या है, तो मैंने यहाँ पे कहा लोगो डॉट JPG, और यहाँ पे कहा मैंने एंटर, और अब यहाँ पे सेट हो गया है। अब यहाँ स्किप की से आप बैक चलेंगे, और अब यहाँ चलते हैं टेबुक पर, और यहाँ देखिए सारी एंट्री शो नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे F2 प्रेस किया मैंने, डेट को इरेज किया, और अब यहाँ सभी एंट्री शो करेंगी। जैसे यहाँ पर मैंने सेल का एंट्री किया हुआ है, यहाँ पे एंटर करते हैं, और जब यहाँ पे आप कंट्रोल पी करते हैं, तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आता है, और आप आई प्रेस किए हैं देखने के लिए कि इनवॉइस कैसे प्रिंट हो रही है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ऊपर यहाँ कंपनी का लोगो प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर देखिए लोगो आपका आ गया है कंपनी का। आप इसी तरीके से किसी भी कंपनी में कोई भी लोगो जो उस कंपनी का लोगो हो प्रिंट कराना हो, तो
तो आप आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।